नई जनरेशन चाहती है कि थोड़ा गाली लगो आप, उससे करेक्टर नजर आएगा। हम बोलते यार क्या जी होती है ऐसी रियलिटी होती है तो मुन्ना भाई MBBS में राजकुमार हिरानी साहब संजय दत्त को बोलते गाली बक, टपोरी का रोल कर रहा है भाई, दबंग फोर में सलमान खान साहब गाली बकेंगे, दो गाली बके उन लोग बकरे। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, और आपको भी सलाम। शाकिरा, इंडियन शाकिरा, ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जो आप धमाल करने वाली है और धमाल कर भी रही है साउथ में भी और हिंदी फिल्मों में भी। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरी अच्छी दोस्त है, गम में भी खुशी में भी शामिल करती है, और आज इनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर हम साथ में हैं और रहेंगे हमेशा। जावेद अपनी काफ़ी सालों से इंडस्ट्री को देखा है, शायद आप चाहें किससे अच्छे काम कर जी इंडस्ट्री में, तो क्या रहता है पप्पा दौर और आपके दौर में कितना फर्क रहता है? देखिए मैं समझो पिछले 32 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी पहली फिल्म थी खुदगर्ज, जिसमें मैंने शत्रुघ्न सिन्हा से मजीद का बचपना किया था और सुपरहिट फिल्म है और अब तक लोग मुझे उससे पहचानते हैं, बिहारी बाबू वो करेक्टर जो प्ले किया था। और इन 32 सालों में मैंने 400-500 फिल्में की है और सारे अच्छे कलाकारों के साथ काम किया है, और मैंने हर दौर में जनरेशन को चेंज होते हुए देखा है। वो दौर था जब मेरी एंट्री हुई थी, जब धर्म जी थे, शत्रु जी थे, जीतू साहब थे और भी कई कलाकार थे। फिर दौर आया नए कलाकारों का, सलमान साहब, आमिर खान साहब, शाहरुख खान साहब, अक्षय कुमार साहब, उन दोनों के बीच में एक दौर और भी था जब सनी देओल साहब भी थे, सब थे, और आपका भी है, सबका है, और भी आते रहेंगे। देखिए मैंने तो ये सीखा है कि जो आप जिस लाइन में हो, मैं जिस लाइन में हूँ, या कोई भी आदमी जिस लाइन में रहे, तो अपने काम के साथ में ईमानदारी रखें, अपने काम की इबादत करें, पूजा करें और बेईमानी ना करें। और जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करें, और जो दर्शक है उनसे हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें, तो आपको कभी किसी दौर में तकलीफ नहीं होगी। तो चेंज होती है और वक्त के साथ इंसान को चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन मेरा नेचर ऐसा है कि जो हर दौर में चल रहा है और चलता रहेगा, जिसके बदले आज मुझे काम मिल रहा है। आपने वेलकम बैक दबंग 3 में देखा और फिल्मों में देखोगे राधे फिल्म में अच्छा रोल, और वैसी है लाइन तो वही है, एक्शन कट। 30 साल जब से फिल्म में जब से इंडस्ट्री में, जैसे जैसे साल गुजरते गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, फिल्म बनाने का तरीका बदल गया, म्यूजिक का तरीका बदल गया, तो आप क्या प्रीफर करते हो? उस समय की जो फिल्में बनती थी एक स्टोरी के हिसाब से, स्टोरी लाइन होती थी, कैची होती थी, हर एक कैरेक्टर के एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पर जो लोगों के दिल में होता था, बड़े छोटा कैरेक्टर, छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल तक पहुँचा था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते थे उस वक्त जैसी फिल्म बनती थी? उस वक्त हमारे जब हमें मौका मिला था तो ज़्यादा सिनेमा ही था और कम थिएटर हुआ करते थे, दूरदर्शन था, गिने चुने सीरियल चला करते थे। आज हर स्टेट में चैनल है और हिंदुस्तान में तो बहुत चैनल है, और कंपटीशन तो उस वक्त भी था, उस वक्त ज़्यादा था क्योंकि उस वक्त इतने चैनल्स नहीं थे, एक सिनेमा था दूरदर्शन जो हमारे दौर में चालू हुआ था, पर इस दौर में तो आसानी से मिल जाता, लेकिन आज तकलीफ होती है। उस वक्त ईमानदार लोग बहुत थे जो अपने काम से ईमानदारी पर ईमानदारी किया करते थे, आज भी है, लेकिन आज शॉप की दुनिया ज़्यादा हो गई। उस वक्त शॉप में मोहब्बत थी, प्यार था, आज शॉप है,
हमें भी शॉप करना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम जनरेशन के साथ चलते हैं, शॉप दिखाते हैं, लेकिन अपना जो किरदार है जो सीखा है और जिसकी वजह से आज हम 32 साल से काम कर रहे हैं वो बरकरार रखा है। और टेक्निकली बहुत सारे कैमरा आ गए, ये आ गए, सिनेमा अलग हुआ है, सब अलग हुआ है। आज हर आदमी पे एक अलग, जो नई जनरेशन है वो अलग चीज़ें लेकर आया है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। आज पहले गालियाँ नहीं थी, आज गालियाँ है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े वेंटी पर विश्वास करते हैं और ये हिंदुस्तान है तो हर आदमी को आज़ादी है, तो शायद इस तरह आज़ादी दे दिए कि वेब सीरीज, वेब सीरीज के जरिए या तो कोई सिनेमा के जरिए कि भाई सेंसर ने मना किया तो भाई हम कोर्ट के जरिए आएंगे, और कोर्ट तो ऐसा कि भाई करो भाई करते रहो, तो ये रोक नहीं है। हालांकि कंट्रोल है, कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते, लेकिन कंट्रोल पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ना मुझे पता नहीं। आज हम शर्माते भी है करने के लिए, गाली यार अच्छा नहीं, फैमिली है, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन नई जनरेशन चाहती है तो थोड़ा गाली बको आप, उससे करेक्टर नज़र आएगा, रियलिटी। हम बोलते हैं यार क्या रियलिटी है, ऐसी रियलिटी होती तो मुन्ना भाई MBBS में राजकुमार हिरानी साहब संजय दत्त को बोलते गाली पर, टपोरी का रोल कर रहा है, गाली भी तो सीना बना है भाई, दबंग फोर में सामान खा सब गाली बकूंगे, दो गाली बकूंगे, कि नहीं बकूंगे। कंपटीशन इतना है और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हर आदमी चीज़ें लेकर आ रहा है। नई जनरेशन आज एक काम के पीछे बहुत लोग हैं, तुमने मना किया तो तुम्हारे पीछे और है, दूसरा ले लो, तो आज ऑप्शन बहुत है। तो नई जनरेशन को सलाम भी करना है, प्यार मोहब्बत से उनको मना भी करना है ताकि बुरा न लगे, दोबारा बुराई नहीं, तो इस वजह से प्यार मोहब्बत से कर लेते हैं, थोड़ा पीछे खड़े होने का रोल लेते, गाली ना बकू या ना बकू। हाँ बहरहाल, लेकिन जनरेशन आज की बहुत अच्छी है, टेक्निकली कई ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, अच्छे पैमाने बनाए, और सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, लेकिन बहरहाल जो गिने चुने लोग ही है, और बाकी लोगों को तो काम चलाना है। एक साल में ये पूछना चाहूँगा कि उस वक्त में काम करने का मजा आता था, वो मजा आ जाता है, कितना एंजॉय करते थे उस वक्त? फैमिली खेला करते थे, और आज मैं तेरे पास आ रहा हूँ तो क्यों आ रहा हूँ, किस लिए आ रहा हूँ, क्या फ़ायदा है, क्या काम है? और उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था, हम तो पुलिस के साथ कभी काम नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम उनके ऑफिस जाया करते थे चाय पीने के लिए, ये पीने के लिए। आज तो उनके ऑफिस में पूछा जाता, भाई क्यों आ रहा है, इसलिए आया है, सब मिलने आया है, मेरा कुछ काम नहीं है। तो वो बेटा बोलने वाले भी आप नहीं है, आप तो गेट पे ही बोल देते भाई जिसकी ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से वो प्यार ख़त्म हो गया है, जो चीज़ होनी चाहिए। आज कास्टिंग डायरेक्टर लोग आ गए हैं, बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर को डायरेक्टर समझते हैं, सेट पे जाने के बाद वो डायरेक्टर को रिस्पेक्ट नहीं देते, पुलिस को रिस्पेक्ट नहीं देते, बिकॉज उनके जरिए हुआ है। तो यू नो के भाई हाँ आप होंगे भाई, देखो ये कास्ट किया है, ये मेरा पैसा है, ये रोल है, ये चार्जिंग डेट मांगा है, अगर हुआ बाहर निकल गए। आज वो रिस्पेक्ट नहीं है कि भाई हमारा डायरेक्टर हमारे बॉस है, नाम है सिगरेट एक दो, आज वो नहीं, आज तो ये है, यस क्या सीन है सर। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे वहाँ ये चीज़ें नहीं थी। इंडस्ट्री को मैंने काफ़ी करीब से देखा है, बचपन से देखा है, तो ये होता है कि एक स्पॉट बॉय हो या एक सेटिंग दादा हो, जो भी या बड़े जो डायरेक्टर हो या आर्टिस्ट हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट सबसे पहले बहुत रिस्पेक्ट, वो कहीं ना कहीं आज मिसिंग है, मिसिंग बहुत मिसिंग, बिकॉज आई थिंक बहुत लोग डेवलप हुए ना, जैसे डिजाइनर
आप हजाम किसी को बोलोगे तो आज की जनरेशन को फोन कर देगा आपको, आपने हजाम क्यों बोला मुझे, आई एम डिजाइनर। तो सब चेंजिंग हुई ना, हर चीज़ चेंजिंग हुई। पहले चीफ असिस्टेंट एसोसिएट थे या थर्ड असिस्टेंट फोर्थ असिस्टेंट, अभी अलग अलग ईपी हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब काफ़ी लोग नए लोग एंट्री हुई नए नाम से चीज़ें है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे तो करते रहना है। इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा मैं अच्छा काम करता रहूँगा और जनरेशन को मिलती है और सीखने को मिलती है, तो एक्टिंग तो वो सीखने को मिलती है। तो ऐसे नहीं कि हम परफेक्ट एक्टर हैं, हम तो सीखते हैं, आज भी जो टेक होते हैं चार पाँच करवाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में सिनेमा होता है, एक्टर को कैप्चर करने में बहुत वक्त लगता है, जब तक वो छः सात रिटेक ना दे तो डायरेक्टर साहब बोले हाँ अब बराबर ये रखना, तो एक्टर पकड़ लेता हाँ भाई हमारे डायरेक्टर साहब को ये करेक्टर चाहिए लगे। और अभी कभी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं? मैंने लास्ट फिल्म किया था दबंग 3, बहुत अच्छा रोल था मेरा, और अब मैं कर रहा हूँ राधे। दबंग 3 के भी डायरेक्टर अंबू देवा जी थे और राधे की भी वही है, और बहुत अच्छा मौका उन्होंने मुझे दबंग 3 में दिया था और इसने भी बहुत अच्छा रोल दिया। और ये फिल्म मतलब यानी सुपरस्टार सलमान खान साहब है, बच्चों के दिलों के धड़कन है, हसीनाओं के, जवानों के, बूढ़े लोगों के, और वो हमेशा ऐसी फिल्म बनाते जो सबको पसंद आती है, और हमारी खुशनसीबी है कि हम उनकी फिल्म में उनके साथ में काम कर रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट्स में आपको शुभकामनाएं, थैंक यू।